जौनपुर जिला के साहगंज अंतर्गत नगर के कलेक्टरगंज फर्ड पर JCI साहगंज सिटी द्वारा लगभग 550 जरूरतमंदों को बांटे गए निःशुल्क कंबल। आपको बता दें कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। इसी आस्था का पालन करते हुए JCI साहगंज सिटी द्वारा भीषण ठंड में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए कंबल वितरण का कार्य किया। यह नगर के गल्ला मंडी कलेक्टरगंज में आयोजित भव्य समारोह में 550 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर सुकून साफ दिखा। अध्यक्ष JC आशीष जायसवाल व कार्यक्रम संयोजक JC धीरज जायसवाल व कार्यक्रम सह संयोजक JC विकास अग्रहरी के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफल हो सका। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सोंधी ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह, विद्यार्थी व विशिष्ट अतिथि तौर पर नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल सहित अन्य अतिथियों द्वारा जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। इस कार्य की सराहना करते हुए प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी ने कहा कि इस तरह के कार्य हमेशा आयोजित होती रहना चाहिए जिससे कि जरूरतमंदों की सेवा की जा सके। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल ने भी संस्था के कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर प्रेमजीत सिंह ने लोगों को इस ठंड के साथ ही कोरोना से भी बचने के लिए अपील की गई। वहीं माइसर सीमेंट के डिप्टी मैनेजर अतुल कृष्ण वर्मा ने JCI के प्रयासों की सराहना करते हुए हर तरह का सहयोग देने का विश्वास दिलाया। संचालन पूर्व अध्यक्ष JC सौरभ सेठ ने किया, जबकि कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन JC विकास अग्रहरी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में JC मंडल उपाध्यक्ष JC अविनाश जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष JC रुपेश जायसवाल, सचिव JC हिमांशु गुप्ता, कोषाध्यक्ष JC वीरेंद्र जायसवाल, पूर्व अध्यक्ष JC दीपक जायसवाल, JC दिनेश चंद गांधी, JC रविकांत जायसवाल, JC मनोज पांडे, JC दिवाकर मिश्रा, JC अभिषेक अग्रहरी, JC रविंद्र दुबे, JC रमेश चंद गुप्ता, JC रामजी अग्रहरी, JC निर्भय जायसवाल, JC उज्ज्वल सेठ, JC अनूप गुप्ता, JC राम अवतार अग्रहरी, JC अनूप सेठ, JC देवी प्रसाद चौधरी, सचिन वर्मा, JC आनंद वर्मा, JC अनूप सेठ, JC ज्ञानेंद्र यादव, JC कार्तिक अग्रहरी, JC बालाजी राव, JC आशीष प्रीतम, JC दीपक सिंह, JJ अमन अग्रहरी, JJ अश्वनी यादव सहित अन्य JJ साथियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुख्य अतिथि व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय सिंह विद्यार्थी। आज JC का एक कार्यक्रम रखा गया कंबल वितरण का, क्या कुछ कहना है आपका? ये अभी आप सुन ही रहे थे, JCI साहगंज सिटी कंबल वितरण का कार्य कर रहा है। ये मानवतावादी काम कर रहे हैं, गरीब की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। आज इस ठंड में जिसको कंबल की आवश्यकता है वो पूरा किया जा रहा है। बहुत सराहनीय कार्य है JCI का, साहगंज सिटी का। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूं। क्या कार्य किए जा रहे हैं ब्लॉक पे? ठंड में कार्य मैं अगर अपने मुंह से कहूंगा तो अच्छी नहीं बात होगी, लेकिन अगर आप क्षेत्र में पता करेंगे तो रोड नाली पुलिया
आवास, सुलभ शौचालय, ये सारे कार्य अभी कल तो हम लोगों ने दिव्यांगों को रिक्शा वितरण किया है और ब्लॉक से जितनी योजनाएं हैं वो सब पूरा मैं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीसीआई क्लब के साथ आज सम्मिलित होने पे। ये मानवतावादी कार्य जो चल रहा है ये निरंतर चलता रहेगा और मैं जानता हूँ, विगत 5 साल पहले से मैं इस क्लब को जानता हूँ, आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। संस्था के लिए मैं संदेश दूँ ये मुझे बहुत छोटा लगेगा, ये अपने आप में बहुत पूर्ण संस्था है, जो मानवतावादी कार्य कर रहा है उससे बड़ी कुछ संस्था हो नहीं सकती। धन्यवाद मीडिया को, धन्यवाद। जैसी साथियों से अनुरोध है जो कि वॉलंटियर के तौर पर वहाँ उपस्थित है, एक एक करके सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज जैसी है एक कार्यक्रम रखा गया कंबल वितरण का, क्या कुछ कहना है आपका? ये अभी आप सुन ही रहे थे कि सीआई साहिबगंज सिटी कंबल वितरण का कार्य कर रहा है। ये मानवतावादी काम कर रहे हैं, गरीब की आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है। आज ठंड में जिसको कंबल की आवश्यकता है वो पूरा किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कार्य है ये सीआई का, साहिबगंज सिटी का। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। सर, जैसा कि आप सोधी के ब्लॉक प्रमुख, आपके स्तर से ठंड में क्या कार्य किए जा रहे हैं ब्लॉक पे? ठंड में कार्य मैं अगर अपने मुंह से कहूंगा तो अच्छी नहीं बात होगी, लेकिन अगर आप क्षेत्र में पता करेंगे तो रोड, नाली, पुलिया, आवास, सुलभ शौचालय, ये सारे कार्य अभी कल तो हम लोगों ने दिव्यांगों को रिक्शा वितरण किया है और ब्लॉक से जितनी योजनाएं हैं वो सब पूरा मैं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीसीआई क्लब के साथ आज सम्मिलित होने पे। ये मानवतावादी कार्य जो चल रहा है ये निरंतर चलता रहेगा और मैं जानता हूँ, विगत 5 साल पहले से मैं इस क्लब को जानता हूँ, आपका कार्य बहुत प्रशंसनीय है। संस्था के लिए मैं संदेश दूँ ये मुझे बहुत छोटा लगेगा, ये अपने आप में बहुत पूर्ण संस्था है, जो मानवतावादी कार्य कर रहा है उससे बड़ी कुछ संस्था हो नहीं सकती। धन्यवाद मीडिया को, धन्यवाद।